बेसिकली आप पॉलिटिकली फंस गए संबित पात्रा। आपको लगा ये हजार बसों की लिस्ट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने दे दी और अब आप हाथ खड़े हो रहे हैं आप लोग। यूपी सरकार की पूरी कोशिश थी कि हर चीज इतने शॉर्ट नोटिस पे करो कि तारीख तक ही एक्सपोज हो। अगर इन्होंने कहा हम बस देंगे तो रात में चिट्ठी दो, सुबह लेकर 10 बजे लखनऊ पहुंचो। सर आपको आपत्ति इस बात से है कि वो फंसे राजस्थान से आ रही है, कांग्रेस की सरकार है, अगर वो कह रहे AICC बिल भरेगी तो आपको दिक्कत क्या है? ये है संवेदनहीनता और राजनीतिकरण और घटिया राजनीति की सोच। देश में कोरोना संकट से बड़ा एक और संकट है जो गरीब मजदूर पैदल चल अपने घर की ओर जा रहे हैं उनका। इस समय में भी राजनीतिक पार्टियां सियासत करने से बाज नहीं आ रही। हाल ही में यूपी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक विवाद काफी सुर्खियों में है। आपको बता दें प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार को पेशकश की कि वह मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बसें देना चाहती हैं और उसके बाद ये पूरा मामला सियासत में उलझ गया। आपको इसके लिए क्रोनोलॉजी समझनी होगी, आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 16 मई को प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा, आज यूपी सरकार को पत्र लिखकर कांग्रेस की तरफ से 1000 बसें चलाने की अनुमति मांगी है। रोज होती दुर्घटनाओं, असहनीय पीड़ा, अमानवीय हालात, हमारे कमाईगर भाई बहन और उनके बच्चे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने सरकार से भी पहले भी अपील की है कि कृपा बसें चलाकर पैदल चल रहे मजदूरों को घर पहुंचाएं। 16 मई को यूपी प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अगले दिन यानी 17 मई को वीडियो मैसेज जारी कर योगी सरकार से बसें चलाने की अनुमति मांगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। 18 मई दो दिन बाद योगी सरकार के मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी की तरफ से चिट्ठी आती है जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 18 मई को ही एक और चिट्ठी अविनाश अवस्थी की तरफ से जारी होती है जिसमें लिखा है, कृपया समस्त बसों सहित उनके फिटनेस एवं चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 10 बजे सुबह सेक्टर 15-16 जिला अधिकारी दफ्तर लखनऊ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कांग्रेस नेता सुरजीवाला ने इस पर सवाल उठाए हैं। 18 मई को हम ये पत्र लिखते, पूरा दिन निकल जाता है, कोई जवाब आदित्यनाथ जी का आता नहीं। आप मुझे बताइए, रात को 11 बजे 18 मई को पत्र लिखकर कह रहे हैं ये सारी बसें फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सुबह 10 बजे लखनऊ में उपलब्ध करवाई। ये है संवेदनहीनता और राजनीतिकरण और घटिया राजनीति की सोच। हम 2 घंटे के अंदर उनको वापस पत्र लिखते हैं। 18 मई को 11:40 रात पे ये पत्र आता है, 19 मई सुबह 2:10 पे, यानी 2 घंटे के अंदर हम पत्र लिखकर उन्हें कहते हैं। या अगले दिन 11:05 पर जवाब आता है कि अच्छा अब लखनऊ मत दीजिए, अब आप ये सारी बसें 500 बसें नोएडा और 500 बसें गौतम बुद्ध नगर में 12 बजे तक उपलब्ध करवाइए। एक और बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया था कि आज से यानी कि 18 मई से 3 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से बसों की लिस्ट मांगी थी। ये कैसे पॉसिबल है कि 18 से 3 दिन पहले यानी कि 15 मई को उन्होंने लिस्ट मांगी पर प्रियंका गांधी ने तो 16 मई को 1000 बसों देने का पेशकश की थी और सरकार ने जवाब 18 मई को क्यों दिया? इस पर सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने भी कुछ सवाल किए हैं। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ है कि आप योगी जी किस आधार पर कह रहे हैं कि हम 3 दिन से मांग रहे हैं? जो ऑफर ही 2 दिन पहले मिला और जिसमें एक्सेप्ट ही उसी सुबह हुआ जिस सुबह वो बाइट दे रहे हैं, जिस दोपहर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 3 दिन की बात कहां से? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संदीप सिंह ने, जो प्रियंका गांधी के सचिव, उन्होंने रात को 18-19 की दरमियानी रात को यही चिट्ठी लिखी 2 बजे रात को करीब यूपी सरकार को कि भाई आप वहां लखनऊ मंगा रहे हैं 1000 बसों को ले जाना, ये संसाधनों की बर्बादी है, बॉर्डर पर लोग फंसे हैं तो बॉर्डर पर बसें तैनात रहेंगी और यहाँ जो भी जाँच आपको करना है यहाँ कर लीजिए, आप एक ऑफिसर हैं, कैसे आप लखनऊ बसें मंगा रहे हैं? तो उसके बाद फिर दूसरा जवाब अवनीश अवस्थी की तरफ से, यूपी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से फिर जवाब आया 19 तारीख की सुबह।
500 बसें गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा में उपलब्ध कराएं ताकि उसका इस्तेमाल हो सके। ये लखनऊ वाला उन्होंने चलिए कंसीडर कर लिया कि नोएडा में उपलब्ध कराएं। यूपी सरकार की पूरी कोशिश थी कि हर चीज इतने शॉर्ट नोटिस पे करो कि तारीख तक ही एक्सपोज हो। अगर इन्होंने कहा हम बस देंगे तो रात में चिट्ठी दो, सुबह लेकर 10 बजे लखनऊ पहुंचो, उसके बाद अगर आधी रात को कहा लखनऊ कैसे पहुंचे तो कह दिया चलो सुबह 12 बजे यहां पहुंचो। ये सही है कि जब आप कह रहे हो बॉर्डर पर है तो बॉर्डर पर पहुंच जाओ, लेकिन बॉर्डर पर बसें थी नहीं, जहां भी थी बस। हालांकि उसके विजुअल प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया, आज भी दिख रहा है विजुअल, आप देख रहे हैं। आगे कहानी बहुत दिलचस्प है, वो फिर बताता हूँ। उसके बाद कहानी असली इसमें ट्विस्ट आया कि सुबह नहीं 19 तारीख की दोपहर सुबह जो भी कहें करीब 12 बजे के आसपास से शुरू हुआ इसमें, क्योंकि इस बीच यूपी में जो टीम योगी की इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी उन लोगों ने पूरी जांच कर ली लिस्ट की कि लिस्ट में क्या गड़बड़ी है। जो वो करना चाहते थे वो काम पूरा हो गया, ऑपरेशन ऑफर। इसके बाद संबित पात्रा का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कुछ गाड़ियों के नंबर दिए और लिखा प्रियंका वाड्रा ने जो तथाकथित बसों की लिस्ट सौंपी है उसमें काफी गाड़ियां अनफिट हैं, कुछ एम्बुलेंस हैं, कुछ कार, कुछ ट्रैक्टर और स्कूटर, इसमें भी घोटाला। बीजेपी की तरफ से इसे भी अब घोटाले में बदल दिया गया है। संबित पात्रा इसके बाद लगातार प्रियंका गांधी को एक्सपोज करने में जुट गए। पत्रकार सुप्रिया भरद्वाज ने ट्वीट किया अब जब बसें यूपी बॉर्डर पहुंच गई हैं तो स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि उन्हें ऊपर से कोई सूचना नहीं है, वे बसों को आगे जाने नहीं दे सकते। एक तरफ तो मुख्य सचिव फरमान देते हैं कि बसों को गाजियाबाद नोएडा ले आओ, दूसरी तरफ अब हमें यूपी में घुसने ही नहीं दिया जा रहा, आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू धरने पर बैठ जाते हैं और इसके बाद संदीप सिंह और अजय लल्लू पर मुकदमा दर्ज कर इनको हिरासत में ले लिया जाता है। आपको बता दें कि दोनों के खिलाफ बसों की लिस्ट में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। ने दिया है हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा और आपके प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी बात का आप हमें लिखे तो दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, इसीलिए मास्क के खुद निकले पश्चिम तो ना जाए। आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट लेंगे हम नहीं जाएंगे, हम भी चिट्ठी दे दे भाई। दिन भर आपके सरकार बोल दीजिए, आपके डीएम बोलते हैं कि परमिशन नहीं दी जाती है, आगे बोले। इस खेल में जिन मजदूरों की मदद होनी थी उनको तो बीजेपी भूल ही गई। आखिर इतनी सियासत क्या जरूरी थी, बीजेपी ने इस मदद को घोटाले में ही बदल दिया। अब इस पर मीडिया ने भी बीजेपी नेताओं से सवाल करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 पर इस मुद्दे पर हुई डिबेट में अमीश देवगन ने संबित पात्रा से सवाल पूछे हैं। देखिए मैं अभी देख रहा था लल्लू जी की तस्वीरें देख रहा था, लल्लू जी सड़क पे लेटे हुए हैं, तमाम लोग उनके कांग्रेस पार्टी के घेरे हुए हैं, ये क्या यही सब होना था? आपको इसी समय धरना प्रदर्शन स्ट्राइक यही करना था? नहीं संबित, संबित बिल्कुल मैं वो सब तमाम सवाल लूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो बसों की लिस्ट मांगी थी, आपने बोला 1000 बसों की लिस्ट दीजिए, उन्होंने 1000 बसों की लिस्ट दी, पीछे भाग गए आप लोग। प्रकार से एक बड़ी फहरिस्त है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने लिस्ट मांगी थी 900 बसें तो सही होंगी, 850 बसें तो सही होंगी। सुनिए ना, इतना इंपेशेंट क्यों है? मैं इंपेशेंट नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ। संबित पात्रा तो प्रदेश सरकार करे फिटनेस की चेक, कांग्रेस ने तो बसें प्रदेश सरकार को दी है ना, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी प्रदेश सरकार की है। बेसिकली आप पॉलिटिकली फंस गए संबित पात्रा, आपको लगा ये 1000 बसों की लिस्ट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने दे दी और अब आप भाग खड़े हो रहे हैं आप लोग। संबित अगर आप लोगों की मंशा सही है, आप भी मजदूरों की मदद करना चाहते हैं ना, हाँ या ना संबित, क्या आपको मोदी जी पे शक है क्या? नहीं मैं को तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग मजदूरों की मदद करना चाहते हैं ना, हाँ या ना? नहीं आपको क्या चाहते हैं, हाँ या ना? नहीं नहीं आपको क्या दिख रहा है? अरे शुक्रगुजार होइए मोदी जी के सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है आज अमेरिका में, क्या बिल्कुल नहीं बहुत अच्छा काम किया है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, हाँ या ना? आज उत्तर प्रदेश एक सेकंड कर रहे हैं, हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। नहीं तो आप मदद करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं ना, तो फिर अगर ये 850 बसें भी सही है तो इनका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते? आप लोग पॉलिटिकल गेम क्यों खेल रहे हैं? ये कांग्रेस की बसें हैं तो संबित पात्रा नहीं चलने देंगे आप लोग? ये सत्ता में बैठने का अहंकार है आप लोगों का। और आज तक पर बसों के विवाद पर रोहित सरदाना ने बीजेपी नेता और अन्य नेताओं से इन्हीं मुद्दों पर कुछ सवाल किए। सुधांशु जी मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कर रही, चलिए कोई नहीं नहीं सुधांशु जी मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, सुधांशु जी प्लीज, सुधांशु जी प्लीज, मैं कह रहा हूँ चलिए 3 दिन पहले दिया गया था,
क्या 3 दिन लगने चाहिए थे? आपकी सरकार तो बड़ी तेज गति वाली सरकार है उत्तर प्रदेश की, सब चीजें त्वरित त्वरित करती है, चुटकी बजते ही सर, क्या उसमें 3 दिन लगने चाहिए थे? सर एक सेकंड सर, सुधांशु जी प्लीज पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सर। सर आपको आपत्ति इस बात से है कि वो फंसे राजस्थान से आ रही है जहां कांग्रेस की सरकार है? अगर वो कह रहे AICC बिल भरेगी तो आपको दिक्कत क्या है? आप लोगों की जितनी छिछालेदार होगी उन मजदूरों के हौसले उतने ज्यादा टूटेंगे कि ये लोग कितने झूठे हैं, कैसे देश के सामने मक्कारी से सामने बैठ के साफ झूठ बोल के चारों लोग सारे निकल जाते हैं और वो मजदूर वहीं धक्के खाता रह जाता है। सुधांशु जी एक ऐसी मिसाल नहीं दे सकते आज बैठ के, आप तो गृह मंत्रालय चलाते रहे, सलाहकार रहे देश में, एक मिसाल नहीं हो सकती यहाँ बैठकर टीवी शो पर कि यहाँ बैठकर एक सहमति बन जाए, वो बसें चल जाए, मजदूरों को मिल जाए, वो बैठ के घर चले जाए अपने। ये तस्वीरें जो आप हम हर रोज देख रहे हैं सर, प्लीज सर प्लीज, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ सर, ये 1000 में 500 बसें ही चला देते कम से कम जो गाजियाबाद आके खड़ी हो गई हैं उनमें से, चलिए 100 आ गई होंगी, 60-70 आ गई होंगी सर, उनको तो चलवाइए। कांग्रेस पार्टी ने मदद के लिए बसें भेजने को कहा और बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए इस मामले को बस घोटाले में बदल दिया। आखिर नुकसान तो उन मजदूरों को हुआ जो घर जाने के लिए उत्सुक है। क्या बीजेपी नेताओं को मजदूरों की परेशानियां नहीं दिख रही? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सियासत से पहले इन मजदूरों की मदद के बारे में सोचे और मिलकर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।